नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत। मैं कुलदीप कुमार। अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई उचित कारण नहीं होता। अगर किसी के मन में एक बार अंधविश्वास बैठ जाए तो वह जीवन भर अंधविश्वासों से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा ही एक अंधविश्वास का मामला बिहार के मुंगेर से आया है, जहां एक 8 साल की बच्ची का शतविशत शव बरामद हुआ है। बच्ची का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर किसी का दिल दहल जाए। पुलिस ने दावा किया कि अंधविश्वास में बच्ची की हत्या की गई और उसकी आंख निकालकर ताबीज बनाया गया। यह मामला मुंगेर जिले के सफियाबाद थाना क्षेत्र का है। मुंगेर के एसपी जे रेड्डी ने जो बताया वो किसी को भी झकझोर कर रख दे। एसपी के मुताबिक रामनगर के पदम गांव के रहने वाले दिलीप कुमार ने 5वें बच्चे की ख्वाहिश में ऐसी क्रूर वारदात को अंजाम दिया। दरअसल गुरुवार की सुबह सफियाबाद थाना क्षेत्र से एक बच्ची का शतविशत शव गांव के ही पास एक ईंट भट्टे के पास सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे से बरामद किया गया था। दाई आंख निकाली हुई थी और बाई आंख को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हाथ की अंगुलियों को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था। परिजन रेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की तो दिलीप का नाम सामने आया। दिलीप से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक दिलीप की पत्नी का पहले गर्भपात हो गया था और दिलीप इस बार बिल्कुल नहीं चाहता था कि गर्भपात हो। अपना दुख उसने अपने दोस्तों दशरथ और तनवीर से साझा किया। इसके बाद तनवीर ने खंगड़िया के मधुरा गांव के रहने वाले और तंत्र मंत्र का काम करने वाले परवेज आलम से दिलीप का संपर्क करवाया। परवेज ने गर्भपात से बचने के लिए एक बच्ची की आंख से बना ताबीज पत्नी को पहनाने की सलाह दी। परवेज की सलाह के बाद दिलीप, दशरथ और तनवीर ने बुधवार को साफियाबाद थाना क्षेत्र में गंगा तट के पास से 8 वर्षीय बच्ची को अगवा कर लिया। बच्ची गंगा तट से अपने पिता के पास से वापस अपने घर लौट रही थी, तभी आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया और बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बच्ची की एक आंख निकाल ली और उसे खंगड़िया ले गए। इसके बाद बच्ची की आंख को जलाकर उसकी राख से ताबीज बनाया गया, जिसे दिलीप की पत्नी को पहनाया गया। रेड्डी ने बताया कि इस मामले में ओझा गुड़ी का काम करने वाले परवेश सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC News।